सेलेक्टेड आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं या आप ओवरऑल आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के बाद वेयर वेयर इज इज द सप्लाई सप्लाई चेन चेन कम्स फ्रॉम सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इसको नशीन कर लीजिए कि मैं कोई भी वर्चुअल रियलिटी ले आऊं जब तक मेरा सप्लाई चेन बेहतर नहीं होगा विच इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल विच इज कंप्लीटली टेंजिबल ये कोई आइडिया नहीं हो सकता और अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो उसमें भी सप्लाई चेन है मेरा टावर्स कितने हैं मेरा सेटेलाइट कितने हैं मैं कहां तक मैक्सिमम रीच आउट करता हूं मेरी टोटल ओवरऑल मार्केट कितनी है दैट इज अगेन द टेक्निकल पार्ट्स उसको हम सर्विसेज को ऑलरेडी लेते तो नहीं है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखा होगा कुछ अर्से से बुक डिलीवरीज होती हैं उसके अंदर आपको सर्टन लेवल की ब्रेक देते हैं लेकिन किताबों की रीच आउट तेज हो गई लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं सम्भाव ऑबियसली डिजिटल किताबें तो है लेकिन अगर आपको वो घर पे डिलीवरी मिल रही है ऑनलाइन तो ऑनलाइन बाइंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई आपने देखा होगा कि पेंडेमिक का एक जमाना था उसके बाद यकदम आपकी जो है ऑनलाइन डिलीवरी ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल्स ये बढ़ गई बट अगेन द सप्लाई चेन इज दें वेन कॉम्पोनेट इन एक्स एफिशंसी इन रिलेशन टू सप्लाई चेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं और ये मैं आप तक ये समझता हूँ कि सप्लाई चेन के ऊपर गौर नहीं करते ताओबाओ का सबसे बड़ा सक्सेस सप्लाई चेन था अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जब भी किसी मार्केट में गया तो मैंने किसी भी अगर जूते को स्कैन किया और उस तरह का वेरिएंट मैंने देखा तो सौ सौ किस्म की सौ प्राइसेस के अंदर सौ प्रोडक्ट्स मुझे ताओबाओ के सामने आ जाते यानी जो जूता मैं वहां देख रहा हूँ फिजिकल साढ़े चार सौ रुपए चार सौ यौन का मुझे बारह और सत्रह अठारह और बाइस में भी मिल रहा है ये कैसे हो रहा है जी आउट ऑफ स्टॉक था किसी जगह पे पड़ा हुआ था एक पेड़ ये मिला एक पेड़ ये मिला तो खरीद दिया सात सत्रह रुपए में बेच दिया सो so, आपने ये देखा होगा कि वेरियंट जो है वो बढ़ गए एरिया भी बढ़ गया बेशुमार बेशुमारोविसेस से बढ़कर आपके पास स्टॉक ज्यादा हो गया तो ये क्या है दिस इज द मेरिकल अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन नंबर वन मेक और बाय टू टेक अ टेकीजन वेदर इट इज अ रिटेल

आ, बाकी नामों से आ, इंडियोर के नाम से आना शुरू हो गया इंडियोर के नाम से जब वो आया तो उन्होंने कहा शुड वी मेक और बाय और करना है क्या है कि मंगवाना है या बेच देना अब देखें जी मेक और बाय प्रोड्यूसिंग और आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट दैट इज वन चॉइस ऑफ सप्लाई चेन अब उन्होंने देखा कि चाइना के अंदर 200-300 पर प्रोडक्ट पर यूनिट बन रहा है और पाकिस्तान में बनाऊंगा मैं इनकी अठारह सौ सतारह सौ में लेदर मुझे बाय करना है मुझे काओ लेदर लेना है मुझे दूसरा लेदर लेना है मुझे ग्रे लेदर लेना है ग्रेन लेदर लेना है मुझे आइकिया से बचा हुआ चमड़ा चाहिए जो मुझे या मुझे लोकल टेनरी का गंदा लेदर चाहिए तो अब मुझे इसके ऊपर डिसीजन लेना है अब मैं इतनी बड़ी सप्लाई चेन में जाने के बजाय तो चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट वाई नॉट टू गेट द सप्लाई चेन सप्लाई फ्रॉम देयर तो यहाँ आके बेच दें तो पाकिस्तान में यही हुआ बाटर सर्विस दोनों उन्होंने यही किया कि चाइना से प्रोडक्ट मंगवाना लग गए और क्या हुआ ना यहाँ से टायर बन रहा है ना बाकी चीजें बन रही हैं तो सारी सप्लाई से आना शुरू हो गई तो मैंने आपको यही बताया कि जब आप कंज्यूमर सोसाइटी बन जाते हैं तो आप इन चीजों के अंदर एफिशिएंट होना बंद हो जाते हैं वेदर आप ये याद रखिए कि बड़ा जरूरी है आपको दोनों चीजों में एफिशिएंट होना जब तक मैं अच्छी शानदार प्रोडक्ट खुद अपनी मर्जी की लोकल मार्केट में नहीं बनाऊंगा कभी भी कोशिश ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ आउटसोर्सिंग से वो चीज प्रोड्यूस कर सकूं और सेटिस्फेक्शन ले सकूं इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा रिसेंट टाइम में एक जीप्स के अंदर एक मार्केट जो बड़े वेरिएंट के अंदर गाड़ी आई बाकी जो वेरियंट्स थे जापान से आता था उसी रेंज के अंदर जो हाई एंड रेंज थी उसके अंदर जब वो इम्पोर्ट होती थी तो उसका इंजन का इम्पोर्ट बैक होता था तो तकरीबन दस साल पुरानी आ रही है नई इम्पोर्ट की प्राइस ड्यूटी के साथ मिलकर पाँच करोड़ चार करोड़ तीन करोड़ पर पड़ रही है तो इससे प्राइस का जो बढ़ता हुआ रुझान था वो बढ़ता जा रहा था जब असेंबलिंग यहाँ लोकल होना शुरू हो गई तो कॉस्ट एफिशिएंस प्राइस एफिशिएंट इंटीरियर जबरदस्त उसकी जो ऑप्टिमल प्राइस भी आपके पास जबरदस्त आ रही है ओवरऑल मार्केट में उसके हिसाब से तो बढ़ गई लेकिन जो कंपेरिटिव मार्केट देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क आना शुरू हो गया सो मैं आई एम इन द फेवर कि मैक्सिमम चीज़ों की असेंबलिंग प्रोडक्शन यहाँ के लोकल ल, लोकल अंदाज यानी यू शुड बी वेरी मच लोकल इन एवरी वे ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर है बाहर से आप आउटसोर्स करते हैं तो बाकी आपके डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक और इवन आपके फिजिकल मामला में भी नहीं होता मतलब मैं अगर नाइकी का जूता डायरेक्ट मंगवा लेता हूँ और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना हुआ तो मेरा पैर जो है वो साउथ ईस्ट इस एशिया का पैर है और अगर मैं पैर को देखता हूँ तो मेरे कर्व्ज अलग हैं गोरे का पैर चपटा और आगे का बढ़ा हुआ और बड़ा होता तो उसका जूता डेफिनेटली मेरे जूते पर नहीं जाएगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था लेकिन लोकल मार्केट में वैसा स्टैंडर्ड नहीं मिलता लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपके लोकल वेरिएंट्स भी बनाना शुरू किए तो फिर प्राइस जस्टिफाई हो गई यानी तेईस हजार या पच्चीस हजार का आप रनर ले रहे हैं या अगर आप ट्रेनर ले रहे हैं तो फिर वो जस्टिफाई करना चाहिए आपकी फिजिकल आपकी डिजाइन के साथ आगे देखते हैं जी सोर्सिंग स्ट्रैटेजी

दो सौ रुपये भी बन जाता है ढाई सौ भी बन जाता है इधर आपको मर कर भी आप कोई चीज़ बनाना चाहें तो आपको किसी भी सूरत हैंडमेड में जाएंगे तो आपको तकरीबन पैंतालीस सौ से आ, चार हजार की कॉस्ट बनेगी और अगर आप दूसरे मशीन पर जाते हैं तो आपकी सत्रह सौ से अठारह सौ दो हज़ार में जाएगी तो मैं जूता जाहिर सी बात है तेरह हज़ार या पंद्रह हज़ार या अठारह हज़ार में बेचूंगा तो प्राइस का डिफरेंस की वजह से मेरा जो है मार्केट साइज

डिस्पोजेबल्स में देख लें ग्लास में देख लें प्लास्टिक में देख लें ये तो मिलेगा लोकल मार्केट से बढ़कर जब चाइना से आना शुरू हुआ तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया अच्छा आप यहाँ पर देखें कि कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लेबर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट इन सप्लाई चेन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का करना है कितने टाइम लाइन पे करना है तो टाइम कॉस्ट स्कोप टाइम कॉस्ट स्कोप इज एज इंपॉर्टेंट एज एज इट इज एवरी थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन So, supply chain is completely dependent on three factors time, cost, and scope. Which is so the labor contact to supply and purchasing contact have to be the ability to have a significant impact on organization output, hence determining efficiency or uh, effectiveness or efficiency or inefficiency within an organization. So that is which much, much important in every way where the incompetency or competency is there. तो कॉम्पटेंट थिंग मस्ट बी इक्वली ट्रांसलेटेड इन इंटू एफिशेंसी तो एक्स एफिशेंसी को हम सप्लाई चेन में जब हम देखते हैं तो मॉडल मॉडलेटिंग करने के लिए बेहतरीन मॉडल जरूरी है कि कॉस्ट टाइम स्कोप कॉस्ट टाइम स्कोप इन चीज़ों के ऊपर हम स्टैंडर्ड देखें ताकि हमारा सप्लाई चेन जो है वो एक्स एफिशंसी स्टैंडर्ड पर रहे थैंक यू वेरी मच